नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं पंजाब की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। खन्ना के थाना दोहरा के गांव बिलासपुर में जमीनी विवाद को लेकर एसजीपीसी और डेरा महंत प्रबंधकों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पक्षों के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। झड़प में एसजीपीसी के अतिरिक्त सचिव विनय सिंह ने समेत कई कर्मी घायल हुए और बिलासपुर में 20 एकड़ जमीन ज्यादा है और डेरा महंत प्रबंधक ने इसे जमीन बता रहे हैं और इसे जिसे लेकर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। वहीं एसजीपीएस के अतिरिक्त सचिव विजय सिंह ने कहा कि जमीन पर कब्जे का कोई मसला नहीं, जमीन गुरु घर की है। वे अपने जमीन में ट्रैक्टर चलाने आए थे और पहले से वहां तैयार कुछ लोगों ने तलवारों से उन पर हमला कर दिया। मैं विजय सिंह एडिशनल सकत्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। की मसला होया जी? मसला कुछ नहीं, साड़ी जमीन जिहड़ी उह साडे हक च होई, हाई कोर्ट वालों सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले संस्था दे हक च ने, ते जमीन जिहड़ी आ गुरद्वारा मंजी साहिब दे नाल अटैच आ, अज दी हैगी साडी आ। असीं कब्जा लैण थोड़ा आए हां, असीं ते अपनी जमीन नूं वाहुण आए। जे अगों उह सानूं खलोत्या, सानूं कृपाना मारियां उहनां ने, रज्जे नशे दे नाल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨਾ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ 200-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਦਾਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ 1950 ਜਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਬਾ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਵਜੇ 10:15 ਵਜੇ ਦਰਾਹੇ ਠਾਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ SGPC ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਟਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਤੇ ML ਆਰਾਮ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर शर्मा ने विभाग के ब्लॉक संसाधन समन्वयकों को 2 संगठनों के नेताओं के साथ बैठक की और उनकी मांगों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नीति के अनुसार इन मांगों को लेकर निकट भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नगर निगम परिसर में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और साथ ही दोनों संगठनों के नेताओं से बातचीत के बाद कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा ने कहा कि इन मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रखंड संसाधन समन्वयकों के जरूरी मुद्दों को लेकर विभाग पहले ही वित्त विभाग से संपर्क कर चुका है और आने वाले दिनों में इन मांगों को फिर से मंजूरी दिलाने के लिए संबंधित विभाग से समन्वय बनाया जाएगा। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ BRC ਨੇ। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के स्थापना दिवस पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी
रघुबीर सिंह ने दुनिया भर में रहने वाले सिख समुदाय को बधाई दी और इस अवसर पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह और शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने बधाई दी। धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसे 1606 ईस्वी में बाबा बुद्धा साहिब ने तैयार किया था। अकाल तख्त साहिब कोई इमारत नहीं, उन्होंने कहा कि आपको अकाल तख्त साहिब का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। अकाल तख्त साहिब पर कई किताबें लिखी गई हैं और इसके बारे में जानना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महान अवधारणा के लिए समय लगेगा, श्री अकाल तख्त साहिब के संरक्षण में सभी एकजुट होंगे और तभी हम धार्मिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤਖਤ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ SSP ਦੀਪਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਕੇ तहत 47 केसों की प्रॉपर्टी जिनमें हीरोइन, नशीली गोलियां, चूरा पोस्ट और गांजा को नष्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रोसेस लाइव और रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान पुलिस के अन्य अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। चंडीगढ़ में अभी भी बारिश नहीं हुई है और पिछले 2-3 दिन से लोग उमस से परेशान हैं, जिसके कारण लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुबह से ही मौसम सुहावना है और मौसम में हल्की सी हवा देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में तेज आंधी या तूफान आ सकते हैं और बिजली भी कड़क सकती है। साथ ही मानसून की बात करें तो इस महीने के अंत तक मानसून आएगा और लोगों को इस गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मॉनसून एक्टिविटी शुरू हो चुका है। हम जहां तक उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस महीने के अंत तक मॉनसून की फुल फेज एंट्री हो जाएगी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। और जब भी इस तरीका से मॉनसून की एंट्री होने वाली होती है तो इस तरीका के वेदर जो है ऑब्जर्व किए जाने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं आपको साइक्लोनिक पैटर्न्स बन जाते हैं जिसके चलते आपको थोड़ी बहुत आपको बारिश शुरू हो जाती है। ये अच्छी बात है, ये अच्छा इंडिकेशन है। तो ये इसी तरीके का मौसम अभी जारी रहने वाला है और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक मौसम फुल फेज रूप से आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आ जाएगा। सीमा के साथ लगते पंजाब जम्मू बॉर्डर पर स्थित पंजाब के आखिरी गांव कोट पटिया में रात के समय में दो संदिग्ध देखे गए। संदिग्धों को जब गांव वालों ने देख लिया तो वो लोगों को धमकाते हुए फरार हो गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस को बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। घटना के बाद से पठानकोट पुलिस अलर्ट हो गई है। ਇਸ ਰਿਜਨ ਹੈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ
ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੁੱਧੇ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਦ ਸੀ। लुधियाना के अब्दुल्ला पर बस्ती में रहने वाले 20 साल की युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक प्रवासी युवती जो कोठी में साफ सफाई का काम करती थी, वो 17 तारीख की सुबह काम करने के लिए घर से निकली लेकिन घर पर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसकी रिपोर्ट आत्मनगर चौकी में दी और चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह का कहना है कि लापता की तलाश की जा रही है, उसे जल्द ढूंढकर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। देखो मेरी साली गायब हो गई, ड्यूटी गई, पहुंची नहीं। हाँ, तब से ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रही। पुलिस कंप्लेंट भी किया हूँ उसमें अभी तक। गायब हुई है? हाँ जी। तो क्या नाम है लड़की का? साधना। अच्छा, तो फिर कंप्लेंट करी है, काम क्या करती थी लड़की आप? कोठी में खाना बनाते थे। अच्छा। सुबह 8:30 बजे जाते थे, शाम को 7 बजे वापस आ जाते थे। उस दिन सोमवार को ड्यूटी के लिए निकली पर पहुंची नहीं काम पे। मिल नहीं रहा जी, कुछ लड़के के साथ कोई चक्कर भी नहीं था, कभी कोई शिकायत मिला नहीं। 2 साल से रह रही थी, कभी कोई शिकायत नहीं मिला। उस दिन अचानक गायब हो गई, तब से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। मेरी बहन लगती है, मेरे से छोटी है। तो ये आपके पास रह रही थी? मेरे पास रह रही थी 2 साल से। 2 साल से तो अचानक गायब हो गई, क्या लगता है आपको गायब कैसे हुई है? सुबह 8:30 बजे निकली थी काम के लिए, वो काम पे पहुंची नहीं, फोन आया कि लेट हो गई, तब से मैं ढूंढ रही हूँ, तब से मिल नहीं रही है। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि नहीं? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, ना तो कोई शक हुआ है, ना तो कुछ। रास्ते में आती जाती थी, आगे पीछे उसके पीछे, तब भी कुछ पता भी नहीं चला, ना शक हुआ है कभी। नवाशहर के गांव कंगा के पेट्रोल पंप पर हुए बहुचर्चित मक्खन सिंह हत्याकांड, जिसके तार सोनू खत्री गैंग के साथ जुड़े थे, जिसमें उन्होंने एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत होने का मामला सामने आया है और मृत आरोपी खड़क सिंह उर्फ गागो पुत्र कुलवंत सिंह गांव सुधा माजरा का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार आरोपी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लुधियाना साउथ से विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना ने पुलिस के साथ मिलकर पंजाब के लुधियाना के मोती नगर में रेलवे लाइन के पास चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके पर 2 महिलाएं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया और इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। लोगों के दसण के मुताबिक इतने 5 बेड़े ने, बेड़ा मालकों ने एक अगे अपना एक बंदा रखा होया। दिन वेले जिहड़ा इतने लोगों की आनी जानी काफ़ी रही है। मैं इतने अज मौके पर पहुंची हाँ, जिदे 4 लेडीज़ तो बंदे भज गए, 2 लेडीज़ तो 1 बंदा असी फड़ लिया। मौके पर SHO नूं बुलाया, ACP नाल गल की, उन्होंने अरैसट कराया तो इन्हों आदेश दिते भी बेड़ा हुणे ही तुसीं मालक नूं लिया के बेड़े ये सारे सील करूंगे। फर्क सब पड़ता है, बाल बच्चा पर फर्क पड़ता है। हमारा पर भी दारू पी के ये इंगल लग गया ना, देखिए इंगल लग गया ना, ये अड्डे पर छीन छोर होता है, हमारे दरवाजे पर गाड़ी बंद दे देता है। लड़के यहाँ पे खड़के सामने कमरे में जाते हैं। हाँ, तो आप रोकते नहीं उन्होंने? देखिए हम रोकेंगे तो अड्डे से मार खाएंगे। मारा पीटा भी है पहला उन्होंने कभी? हमारे के मारे पीटे नहीं है। तो गली वाले बोलते नहीं है? गली वाले अब अकेले, हमारा एक लड़का वो भी विकलांग हो गया, ये हमारा बूढ़ा गिर गया, हम अकेले क्या कर पाएंगे? हम अकेले क्या कर रहे? बड़े बड़े लले हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, के उस साथ हमारे के नहीं देता है। हम तक कितने चक्कर अपनी यहाँ आदमी आता है, उसको छीन छोड़ करके मारने लगते हैं।
पिछले कुछ दिनों से पंजाब में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए नहर में नहाने गए दो नौजवानों के डूबने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला भटिंडा के सरहंद कनाल नहर पर गर्मी से निजात पाने के लिए नहाने आए दो नौजवान डूब गए। जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोनों नौजवान सरहंद कनाल नहर में नहाने लगे और पानी के तेज बहाव में बह गए और एसएचओ थर्मल सुखविंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी। नगर का रहने वाला मैं वो नहाई जाते उन्होंने मना किया भी ना ना बोट डूंगा जी पानी का बहाव बहुत तेज है जो उन्होंने कहा वो साढ़े नाल ही जी बोलन लग गए कि तुसी की लेना है असं आपका नाम ना आया हूँ ड्रिंक ड्रुंक करते हैं पी के नहाते हैं फिर तो दो जड़े सी वो तो बाहर निकल गए साड़ी गल समझ गए फिर वो दो नहीं समझे वो पानी ने गोता खवाता फिर उस बाद उन्होंने पता ही नहीं लगे फिर असं बहुत लभ्या उन्होंने हूँ भी लभ रहे फिर नहीं मिले फिर हाँ जी भी जनता नगर जी मेरा नाम इंस्पैक्टर सुखविंदर सिंह एस एच ओ थर्मल इतने सानू इंटीमेशन आई थी बी दो मुंडे ये नहर के डुब गए थे ये सानू इंटीमेशन आई थी हाँ जी ये असं वेरीफाई कर रहे हैं तो फिलहाल सानू यही पता लग्या भी नहर के इतने कंडे बैठे से दो मुंडे तो वह उत्थे डुब गए इन्हें हाँ जी देती NDRF ने सूचना देती बाकी असं गोताखोर भी बुला लिया तो साढ़े वालों पूरी कोशिश आ लोगों के सहयोग नाल भी जल्द तो जल्द उन्हों की भाल की जाए। फतेहगढ़ साहिब के अतिरिक्त उपायुक्त ईशा सिंघल ने पंजाब के राज्यपाल को एक मांग पत्र दिया जिसमें उन्होंने मांग की कि शिरोमणि संत गुरु रविदास मंदिर विकास नगर मौली जांगरा को न तोड़ा जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे समाज पर पूरी तरह से आघात है। उन्होंने मांग की है कि उक्त मंदिर को तोड़ने के बजाय इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए क्योंकि इस मंदिर को तोड़ने पर जगत गुरु रविदास महाराज और देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है तब पूरे समाज में सरकार के प्रति आक्रोश होगा क्योंकि इस क्षेत्र में और भी कई धार्मिक स्थल हैं जिसके कारण हमें लगता है कि गुरु रविदास महाराज के मंदिर को तोड़ने की जानबूझकर साजिश की जा रही है। जय भारत जय गुरदेव धन गुरदेव जय संविधान वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। असी जिहड़ा मंग पत्र दित्ता ये आजाद समाज पार्टी कांसी राम ते श्री गुरु रविदास प्रबंधक कमेटी फतेहगढ़ साहब वालों असी मंग पत्र दित्ता। मेरा नाम बाल सिंह कोला ते हलका इंचार्ज फतेहगढ़ साहब तो मंग पत्र दित्ता जी। की मसला की है मंग पत्र? मसला ये है भी साढ़े जिहड़े सतगुरु रविदास महाराज के मंदिर ने इन्होंने ऐसी भाईचारे को टारगेट करके मंदिर ढा रहे ने मौली जगर जो कि साढ़े समाज नाल बहुत ज्यादा धक्का हो रहा है। माननीय कोर्ट के आदेशों के तहत आज बीते लंबे समय से विवादों में चली आ रही PNFC कॉलोनी के लगभग 28 मकान कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने खाली कराकर शासकीय संपादक को सौंप दिया और साथ ही अकाली बीजेपी की कथित सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकार की गलत नीतियों के चलते 13 फरवरी 1999 को इकाई तालाबंदी का शिकार हो गई थी। 450 के करीब स्थायी कर्मचारियों समेत कुल 1000 के करीब कर्मचारी काम किया करते थे और दिन रात कंपनी में उत्साह उत्पादन होता था और तालाबंदी कर दी गई। एक ना हाई कोर्ट के ऑर्डर से PCL के 48 मकान से जोड़े खाली कराने को कहा ऑलमोस्ट सारे मकान खाली हो गए हैं हूँ तो इतने सील ला रहे हैं। वो अपने पहला भी गए थे सर कुछ टाइम दिता हाँ पहला इन्होंने 15 दिन का टाइम दिता से हूँ खाली सर
हाँ हम सारे क्वार्टर खाली से हूँ वो अपनी सीलां ला रहे हैं। इस तरह सेगा जी जी PNFC सी ना जी ये बंद हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर से क्योंकि ये एक यूनिट सी चल नहीं सकी तो उसके मुताबिक जोड़ा सी कि हाई कोर्ट ने इन बंद करने के आदेश दिए थे और उसी ही उन्होंने आदेशों की पालना करने वास्ते अज जे लिक्विडेटर के कर्मचारी है वो आए है ताकि जेडे मकान हले सील नहीं हो सके वो ये सील करके जो अपनी रिपोर्ट है अगे हाई कोर्ट में जाके देंगे जिस दे बेस से जी है कि जी सारी जमीन इन्हें फैलती है। एक एक मकान खाली करता जिस दिन अज तो 15 दिन पहला सानू 14 तारीख लास्ट देती गई थी 14 नू कलोनी खाली हो चुकी थी शाम नू ते अज इन्होंने लिक्विडेटर साहब ने अपने हैंड ओवर कर लिए अपनी सीलां वगैरह हुण इन्हां दा प्रोसैस ये करन। नहीं 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 अज तो देखो कलोनी च है ही कोई नहीं सारे अपने अपने समान लैके इतो सर जा चुके है हुण इत्थे कोई नहीं ना साडा कोई इत्थे लिंक हैगा असीं छड जे पेमेंट इदां हैगी जो साडा जिन्ना अज तक बनिया वा अमृतसर के घी मंडी चौक में एक शराब के अड्डे और कुछ दुकानों पर निहंग सिंह संगठनों ने हमला कर दिया जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे हथियारों से लैस होकर आए और दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। दुकानों के अंदर से सामान व नकदी लूटकर भाग गए। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने तलवारों से हिंदुओं के दुकानों पर हमला करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बाजार में सिख समुदाय की दुकानें भी हैं लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा गया और सिर्फ हिंदुओं के दुकानों को निशाना बनाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सुखबीर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ निहंग सिंहों ने दुकानदारों पर हमला कर दिया जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। दोषियों को सजा दी जाएगी और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मामले की जांच में जुटी पुलिस मामला अमृतसर का बताया जा रहा है। निहंग सिंहों ने दुकानों पर हमला किया और साथ ही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान कहां पर क्या बात है? हमारे चौक में दुकान है जी, पान वाली दुकान है। आए थे हमारे पास, धमकी दे गए हैं कि अगर दोबारा दुकान खोली जिंदा अंदर करके जिंदा जला दूंगा। सामान 15-20 थे। हाँ जी, दुकान नहीं, दुकान तोड़ नहीं है, दुकान बंद कर दिया था हमने। नुकसान कुछ हुआ है? हाँ, नुकसान हुआ, जब बंद करने लगे सामान वामान गिर गया। हाँ, धमकी दे गए। राहुल मलिक घ्यो मंडी चौक एक वाल्मीकि मंदिर का दुकानदार आ। जिदा कि अद्धा घंटा पहला इतने कुछ निहंग सिंह जथेबंदियां 10 तो 15 जिने आके नंगिया तलवारा लैके इतने आण के गुंडागर्दी की। सानू कुछ मामले का भी नहीं पता। मैं अपनी शॉप पर बैठा, मेरा सलून सी तो मेरे वर्कर काम कर रहे थे तो मेरे वर्करा के उत्ते भी जानलेवा हमला किया। तो दूजा कि मैनू डराया धमकाया कि अज जे तुसी दुकाना खोलिया दोबारा तो ताड़िया दुकाना नू अग ला देंगे। ये हुणे इतलाह मिली सी इत्थे घ्यो मंडी चौंक च आए है कोई निंग टाई बंदे सीगे, उन्होंने आके इत्थे खड़बस्सी की है, कोई तोड़ फाड़ करने की कोशिश की है। हुण इत्थे आ गए, बाकी इन्हां दे बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं। अमृतसर की बंसल रसोई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और इस संबंध में बात करते हुए सहायक मेडिकल कमिश्नर राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए बंसल रसोई के वीडियो पर स्वास्थ्य विभाग के सख्त नोटिस पर उन्होंने कार्रवाई की और दही दाल और चने की सब्जियों के सैंपल भरे हैं और जारी किए हैं और दुकानदार को निर्देश दिए कि वे इन सब्जियों पर तारीख का टैग लगाएं और ताकि पता चल सके कि सब्जी कितनी पुरानी है और कितने समय तक सही रहेगी जिससे ग्राहक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। भेजे गए सैंपल आएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी।
देखो एक प्रेस मीडिया के माध्यम के नाल सानू पता लग्या सी कि कोई इत्थे बंसल शाही बंसल इत्थे रसोई है दरबार साहब के लागे उत्थे कोई सब्जी नूं लै के कोई इशू करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।